दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं, देखो ये धनिया है, धनिया कैसे बोई जाती है घरों में। आप आपके पास जो भी है, गमला है छत पे या किसी चीज़ में, तो हम आपको इसका तरीका बता रहे हैं दोस्त। आपको हमेशा घर में धनिया मिलेगी। जैसे आप ये धनिया दोस्तों हम लाए हैं बीज भंडार से। घर में जो धनिया होती है वो थोड़ा कम उगती है, तो इसको सबसे पहले क्या करिए कि इसके जो एक धनिया है इसको दो टुकड़ा करिए। ऐसे कटोरी ले लीजिए, ऐसे कर दीजिए। देखते हैं दोस्तों ये टूट रहे हैं। और ऐसा करना दोस्तों कि पाउडर ना बन जाए, बस दो टुकड़े हो जाए धनिया के। इसे फैला देना, इसे दबा दो तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। देख रहे हैं दोस्तों, जब आप ऐसा कर ले तो देख रहे हैं, अब आप इसके दो टुकड़े बन गए हैं। हम आप अब क्या करेंगे, इसको उठा के ऐसे पानी में डाल देते हैं। इसको ऐसे पानी में डाल के रख देते हैं। पानी में ऐसे हम इसको रात को 8 बजे तक दोस्तों इसे हम पानी में डाल के इसे रखेंगे। 8 बजे के बाद रात को ये कपड़ा देख रहे हैं, ऐसा कोई कपड़ा ले लेना। इस कपड़ा रख के इसको पानी निकाल के इसको बांध के रख देना कहीं पे रख देना, तो रात भर इसी कपड़े में बंधा रहेगी। फिर सुबह इसको जाके आपको कैसे बताऊंगा कि कैसे गमला तैयार करना है, और दोस्तों इस धनिया को बोना कैसे है, और इसकी सुरक्षा कैसे करना है, इसको बचाना कैसा कि धूप बहुत है छत पे, और धूप से इसे कैसे बचाना है कि जो आपको जब तक ये थोड़ी सी बड़ी नहीं हो जाती दोस्तों तब तक ये इसको आपको बचाना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो हम आपको बताएंगे कल धनिया लगाते टाइम पे, बोते टाइम पे। थैंक यू दोस्तों। देखो रात भर मैंने इसको एक कपड़े में बांध के रखा था धनिए को, अब आपको बता रहा हूँ इसको बोना कैसे है। सबसे पहले आप इसको खोल लीजिए, ये देखो इसको इसको आप थोड़ा थोड़ा इसे तैयार है, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि गमले में खाद कैसे तैयार करनी चाहिए। दोस्तों आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं आप, इस तरीके से इसमें डाल दीजिए, देख रहे हैं इस तरीके से। थोड़ा हम ज़्यादा डाल रहे हैं दोस्तों क्योंकि गर्मी है ना, तो गर्मी में थोड़ा बीज ज़्यादा डालिए, क्योंकि कोई कोई बीज अगर नहीं भी टूटा होगा, नहीं दो फाली बना होगा तो वो नहीं उगेगा, उसके लिए थोड़ा जास्ती डालना पड़ेगा। देखें दोस्तों, इसके बाद आपको ये मिट्टी देख रहे हैं हम, आपको मिट्टी बना के रखा हूँ। ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी आप इसमें ऐसे डालिए, इसको ढक दीजिए, हल्का सा ढकिए दोस्त, कि जिससे बीज को ऊपर आने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। देख रहे हैं कि ये ढक जाए, बस बीज दिखाई ना दे। अब हम इसमें देख रहे हैं, ये
इसके बाद दोस्तों ये आप इसको, गर्मी बहुत है ना, जब तक इसका बीज निकलता नहीं है आप इसको ऐसे थोड़ा लकड़ी उकड़ी रख के ऐसे दिख रहा है, थोड़ी लकड़ी रख के पहले तो पानी डाल देते हैं। तो ऐसे आप इसमें पानी डाल दो, पानी डालने के बाद आप इसको, थोड़ा गर्मी बहुत है तो सूख जाएगा, इसके लिए थोड़ा ऐसा लकड़ी रखो, लकड़ी रख के देख रहे हैं दोस्तों, देखा इसके ऊपर मैंने इसे दो लकड़ी रखी है ये, उसके बाद कोई घास फूस से इसको ढक दीजिए इस तरीके से, इस तरीके से इसको ढक दो इस तरीके से, देख रहे हैं दोस्तों इसको ढक दो, क्योंकि इस पे धूप न जाए, जब तक ये उग नहीं जाता है आपको इसको ऐसे ढक के रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप समझ तो गए होंगे धनिया का गमलों में छत पे कैसे उगाया जाए। अब देख रहे हैं ये दो गमले हमने धनिया उगाई है, अब ये 10-15 दिन में उग के तैयार हो जाएगी, इस पे पानी थोड़ा थोड़ा रोज देना पड़ेगा और धूप से बचाना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल ये जो ढका हुआ है इसको हटाना नहीं चाहिए जब तक ये अच्छी तरह उग ना जाए, उसके बाद इसको थोड़ा सा छाया दे देना पड़ेगा, फिर बहुत अच्छी धनिया उगती है दोस्त, घरों के लिए अपने घर के लिए काफ़ी हो जाती है। थैंक यू दोस्तों। दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखो ये धनिया हमारी उग गई, दिख रहा है ना, ये देखिए अभी ये हमने इसको 8 दिन पहले बोया था, लोग कहते हैं धनिया 40 दिन में उगती है, 20 दिन में उगती है, 40 दिन, 8 दिन में उग गई, दिख रहा है 8 दिन पहले हमने इसको बोया था, आपको दिखाया था ना सब कैसे बोना है, कैसे बीज तैयार करना है, मिट्टी तैयार करना है, और ये हो गया, धनिया हमारी तैयार हो गई। अब इसको दोस्तों आपको थोड़ा 12 से 3 बजे की धूप से इसको थोड़ा बचाना है, जैसे भी आपके पास साधन हो। अभी मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे प्लाईवुड खड़ा कर दूंगा और लकड़ी का गत्ता खड़ा कर दूंगा, नहीं तो कुछ भी खड़ा करके इसको 12 से 3 तक, 4-5 दिन तक जो है इसमें 2-3 पत्तियाँ निकल आए ना, तो उसके बाद ये अपनी रक्षा खुद ही करेंगे, इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा भी एक बोया था दोस्तों गमले में, देखो ये करा ना, ये भी उग गया है, सब उगना शुरू हो गया है, दिख रहा है बहुत अच्छी तरह उगा है दोस्तों। ये आपके छत, मैं अपने छत पे उगाया हूँ इसको एक बोरी के अंदर, और ये गर्मी के लिए है हमारी धनिया ये, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, आप उगाइए, समय है आपके पास, समय पास करने के लिए भी आप ये सब कर सकते हैं, आपको ऑर्गेनिक सब्जी भी मिलेगी, धनिया भी मिलेगी, और आप टाइम पास भी होगा और आपको ज्ञान वर्धन भी होगा आपका। तो नमस्कार दोस्तों, अब आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करना, हम रोज़ वीडियो आपको देंगे, तो आप वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।